तो बस हम लोग निकल चुके हैं वैक्सीन लगवाने। ये सब लोग क्या कर रही है, लेटी हुई है। हाय गाइस, आई एम श्रद्धा एंड आज मैं जा रही हूँ अपनी कोविड के लिए सेकंड वैक्सीन लगवाने। फर्स्ट मुझे कोवैक्सीन लगी थी एंड सेकंड मुझे आज लास्ट डेट है मेरा 28 वाला, तो आज मुझे सेकेंड डोज लगनी है, यानी मेरी दो वैक्सीन जो है कंप्लीट हो जाएगी एंड मैं रेडी हूँ जाने के लिए। एंड यहाँ पे है, ये है मेरे हस्बैंड जो कि नहीं जा रहे हैं बिकॉज इनके पास बहुत सारा काम है। एंड ये मेरे भाई आए हुए विकास एंड ये है बाबू, से हाय। आद्याम हाय करो, वैसे तो दिन भर आद्याम सेल्फी हाय हाय करते रहते हैं लेकिन अभी नहीं कुछ बोल रहे हैं। आद्याम देखो सेल्फी, अभी शर्म आ रहा है, जब एक्चुअल वीडियो बन रही है तो शर्म आ रही है उसको। तो मैं जा रही हूँ और अभी दोपहर के 1:30 बज चुके हैं, लाइट की वजह से टाइम नहीं दिख रहा है। तो वो चलिए फिर देखते हैं, बस वैक्सीन लगवा लें, होप्स होप सब कुछ अच्छा रहे। एंड मेरे भाई की विकास की एंगेजमेंट भी है तो तब तक हम लोग एकदम टोटली सेफ हो जाएंगे। बट प्रिकॉशन हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि प्रिकॉशन हमेशा बहुत जरूरी होता है, भले ही आपको कोविड की वैक्सीन लग चुकी हो फिर भी प्रिकॉशन हमेशा बहुत जरूरी होता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं और दैट्स वाई आज मेरा कोई अदर वीडियो नहीं आने वाला है बिकॉज मैं तो जा रही हूँ वैक्सीन के लिए एंड मे बी थोड़ा बहुत पेन हो बट इट्स डजंट मैटर। बट यू नो बाहर हॉस्पिटल जाना फिर इतनी धूप में और आना, गर्मी बाहर बहुत है, तो आज हम लोग बस यही इंजॉय करने वाले हैं। एंड मैं अपने ब्रदर इन लॉ एंड उनकी वाइफ के साथ जा रही हूँ, संजना के साथ। तो संजना भी अपना ब्लॉग बना रही है तो वो अपना अलग वीडियोस बनाते हुए जाएंगी। तो चलिए फिर निकलते हैं, बाय बाय। तो बस हम लोग निकल चुके हैं वैक्सीन लगवाने एंड ये है संजना जिसके बारे में बताया था, ये भी ब्लॉग बनाते हुए चलेंगी। एंड ये है देखिए मनु भैया, एक छूने वाली हेलो। एंड ये है विकास जो वहाँ लेटे हुए थे और म्यूट के बैठ के चला रहे हैं। तो बस हम लोग जा रहे हैं और जल्दी से होप्स हो लग जाए। कल मैं गई थी लगवाने बट अनफॉर्चुनेटली लग नहीं पाया क्योंकि डोज खत्म हो गई थी। तो अब आज जा रहे हैं, मेरा वन डे लेट हो गया है तो होप्स हो कि बस आज काम फिनिश हो जाए। एंड आज का मौसम भी थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा है, कभी अच्छा हो रहा है कभी बहुत तेज धूप हो रही है, तो गर्मी तो एकदम न्यूट्रल है बनी हुई है लगातार कॉन्स्टेंटली। तो चलिए फिर बाय। तो ये गोंडा का रोड है एंड यहाँ पे बहुत सारे स्कूल हमारे घर के साइड में पढ़ते हैं, मैरिज लॉन्स हैं एंड LVS यहाँ का कॉलेज है, गांधी पार्क है ये यहाँ का, जो बच्चे अक्सर आके शाम में यहाँ पे खेलते हैं एंड यहाँ की कुछ शॉप्स हैं। तो अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना रश है यहाँ, कितना क्राउड है और किसी ने मास्क नहीं लगाया है। तो यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ वेरीफाई कराने के लिए, रो तो है ही नहीं लेडीज़ का, तो मैं लग गई हूँ और मैंने अपनी लिस्ट जो पर्ची थी हमने वो दे दी है और उसके बाद ये वेरीफाई होके हमें मिलेगा। बहुत रश है यार, बहुत टाइम लगा। सो फाइनली आई गॉट माय वेरिफिकेशन कार्ड, बहुत भीड़ थी सेकेंड डोज का एंड नाउ अब हम जा रहे हैं वैक्सीन की तरफ, वैक्सीन लगवाने। तो यहाँ पे अब मेरा नंबर आ गया है, वैक्सीनेशन रूम में हम लोग, वैक्सीन लगने जा रही है मुझे। तो मुझे वैक्सीन वगैरह से डर नहीं लगता है तो मुझे कोई इशू भी नहीं है और पेन भी नहीं होता, फटाक से ये लोग लगा करके तुरंत ही पता ही नहीं चलता कि वैक्सीन लगी भी है कुछ कि नहीं। हाँ थोड़ा सा बाद में फर्स्ट टाइम तो लगवाया था तो थोड़ा भारीपन आ गया था और थोड़ी सी फीवर भी थी, तो वो होना भी ज़रूरी है, पता लगता कि हाँ वैक्सीन आपको इफ़ेक्ट कर रही है सही है, तो वो ज़रूरी भी है। तो देखिए मेरी वैक्सीन लग गई, अब संजना का नंबर है, संजना भी लगवाएंगी एंड यहाँ मेरा सेकेंड डोज है तो मुझे यहाँ लिस्ट जो नीचे है उस पर नाम एंड एड्रेस फ़ोन नंबर डाल के यहाँ छोड़ना पड़ेगा इनके
जो नर्स हैं उनके पास। तो हम लोगों को वैक्सीन लग चुकी है फटाफट से और बहुत ही इजीली सब कुछ हो गया। बस रश बहुत था, वेरीफाई कराने में टाइम लगा, वैक्सीन लगवाने में नहीं। तो फाइनली सेकंड डोज हमारा कंप्लीट हो गया है एंड तो वैक्सीनेशन हो गया है, दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो आप सब काफी बेसिक होके लगवा सकते हैं। तो अभी वैक्सीन हो गया है, अभी अंदर आ रहे और वैक्सीनेशन के बाद अब हम लोग घर जा रहे हैं। बहुत भीड़ थी बट फाइनली डन हो गया। सबसे अच्छी बात यही है, बहुत पेन भी नहीं हुआ है, बहुत जरा सा हुआ है। तो संजना तुम्हें कैसा लगा सेकंड डोज लगा? बढ़िया लगा, पहले से थोड़ा कम दर्द हुआ, पहले वाले में ज्यादा दर्द हुआ था, इस बार सही था। देखिए आगे चल के उस बार तो ज्यादा हाथ हाथ भारी हो गया था, इस बार कैसा होगा ये तो पता चलेगा धीरे धीरे। बट सभी का ना बॉडी अलग होता है। मुझे फर्स्ट टाइम भी इतना ही पेन हुआ था लगवाते टाइम, बहुत ज़रा सा, एकदम माइन्यूट सा, और इस टाइम भी उतना ही सेम ही है। बट आगे होप्स हो कि जैसे थोड़ा भारीपन आ जाता है और सो नहीं सकते आप इस जिस साइड में आपको इंजेक्शन लगा है, होप्स हो इस बार बहुत ही लाइट हो सब कुछ। तो चलिए अब घर चलते हैं, गर्मी भी बहुत थी बट फाइनली सब कुछ डन हो गया। तो सैनिटाइज हो रही है दीदी पूरी तरह से। देखिए सब लोग क्या कर रही है, लेटी हुई है और ये तो वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड डोज कंप्लीट हो चुका है मेरा। अभी मैं थोड़ा सा सेफ फील कर रही हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइज, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया अपना उनका तो वेरी गुड, वेल डन। एंड जिन लोगों ने नहीं करवाया है तो प्लीज़ करवा दीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए एंड आपकी सोसाइटी के लिए। तो प्लीज़ वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। एंड मैंने तो करा लिया है तो बहुत अच्छा रिलीफ फील हो रहा मुझे। बट इसका मतलब ये नहीं कि प्रिकॉशन लेना आप छोड़ दें, वो भी आप कंटिन्यू लेते रहें अच्छे से। एंड बस तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत हम लोगों ने मस्ती किया वैक्सीनेशन के लिए भी, तो अगर वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब वो चाहे रेसिपी वीडियो हो या चाहे ब्लॉग का वीडियो हो, मेरा दोनों आएगा। तो वैसे भी मेरी ब्रदर की इंगेजमेंट है तो सबसे पहले तैयारी तो मेरी ये कम्प्लीट हो गई है, तो बहुत रिलीफ है अब। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप एस्पायरिंग एंड स्टे हेल्दी एट होम, और चाहे बाहर भी रहिए तो भी क्या, बट सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।